हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आप सभी का रिक्वेस्ट था कि मैं धूम 3 का जो डबल रोल है उसका ट्यूटोरियल बनाऊं। तो दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश के बाद जो है ये पहला वीडियो ट्यूटोरियल आपके पास लेके आ रहा हूं। दोस्तों, इसके लिए बहुत टाइम लगता है और आपको कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकता। तो इस वीडियो में नॉर्मली आपको जो है जो मैं क्या हूँ वो बता रहा हूँ, मगर ये एग्जैक्ट नहीं है, कुछ मिस्टेक रहेंगे छोटे बड़े, तो उस चीज़ को मत देखो। आप इसमें सिर्फ ये देखो कि किस तरह से आपको सेटिंग करना है और आप अपने हिसाब से पूरा टाइम लेके अपना वीडियो जो है अच्छे से एडिट करो। तो ये पहला ट्यूटोरियल है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करूँगा, और आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे लूँगा, और साथ ही साथ जो भी वीडियो और इमेज इसमें वीडियो के बैकग्राउंड के लिए लगेगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तू इतना जिद्दी क्यों है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपना काइन मास्टर ओपन कर लो और एम्प्टी लेयर सेलेक्ट करके जो है अपना सबसे पहले धूम 3 का जो सीन है वो सीन का वीडियो इंपोर्ट कर लीजिए, और उसके बाद में इसको स्टार्टिंग का जो पर्सन है उसको रीसेट कर लीजिए। तो ये पहला जो सीन है बनाना है, तो इसको थोड़ा सा सेटिंग करके यहाँ से हमको इस फ्रेम तक बनाना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कट कर देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद लेयर में जाके मैं एक इमेज फाइल जो इसका बैकग्राउंड इमेज जो लेना है वो इमेज फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको स्क्रीन में फिट करके पहला जो वीडियो क्लिप है उसके साइज़ में इसको कट कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप अपना इस वीडियो को देखते जाइए, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी अपना वीडियो को एडिट कर लें। Thank you.
दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको आगे का एडिटिंग बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना ना भूलिए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।